हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। और इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M31 के बारे में। मेरे पास जो वेरिएंट है 664 GB वाला वेरिएंट है, वो सिन ब्लू कलर का है। और आफ्टर 1 अप्रैल इसकी प्राइसिंग है, सैमसंग के वेबसाइट में लिस्टेड है 16,800 समथिंग। अभी भी ऑफिशियल प्राइसिंग नहीं आई है Amazon.in की। और जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पर ब्लैक कलर वेरियंट है और मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्लू कलर वेरियंट। एक रेड कलर का वेरियंट देखा है, एक टेक यूट्यूबर, इंडियन टेक यूट्यूबर का मैंने रिव्यू देखा है जिसमें रेड कलर का वेरिएंट दिखाया गया है। वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अगर इसे परचेज़ करना चाहते हो तो आफ्टर लॉकडाउन ऑफिशियली शायद लॉन्च होगा रेड कलर का वेरिएंट, ही आप परचेज़ कीजिए। कोई सैमसंग लवर इस वीडियो को देख रहा है तो आपको पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको 4 प्रोज बता देता हूँ। सबसे पहला प्रो है इसका जो सुपर एमोलेड पैनल है, 1080p रेजोल्यूशन वाला, HDR सपोर्टेड नहीं है, वाइड वाइन L1 सपोर्टेड है, 1080p आप जो है यहाँ पर वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं अमेज़न प्राइम एंड नेटफ्लिक्स में, बढ़िया आपको एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगी। जो कैमरा है फ्रंट एंड रियर दोनों साइड में, इसके कैमरा को बीट करना मुश्किल है। इवन पोको X2 भी नहीं बीट कर सकती है। रियल मी 6 प्रो भूल जाओ, रियल मी 6 भूल जाओ, इसके कैमरा को बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 6000 mAh की जो बैकअप है, 1.5 दिन आराम से चलेगी। एंड लास्ट जो इसका UI है, जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, रियल मी या रेडमी इसे बीट नहीं कर सकती है। 1 UI जस्ट टॉप नॉच आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड जैसा लुक है। एंड जो कस्टमाइजेशन, भर भर के यहाँ पर कस्टमाइजेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल यहाँ पर बढ़िया एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ छोटे मोटे चीज़ है जो मैंने पहले आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। इस डिवाइस में कोई क्लिकिंग साउंड नहीं आती है, जैसा कि M30S में बॉडी में पहले आता था। M30S की बॉडी को जैसे आप प्रेस करते थे तो क्लिकिंग साउंड आती थी, ये चली गई है। नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर स्पीकर क्वालिटी बहुत ज़्यादा, क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ये स्पीकर लाउड नहीं है। इससे लाउड स्पीकर मैंने देखा है Realme 6 में, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं आती है। सिग्नल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, M30S में सिग्नल स्ट्रेंथ थोड़ा सा वीक था, यहाँ पर भी सेम चीज़ मुझे यहाँ पर नोटिस हुई है। दूसरे डिवाइसेस से थोड़ा सा सिग्नल स्ट्रेंथ आपको वीक देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं कर पाओगे, पूरी तरह से यूज़ेबल है, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। कोई इसे यूज़ कर रहा है तो अगर मुझसे एग्री करता है तो कमेंट डाउन बिलो। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए यहाँ पर फुल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। मैंने प्रोस बता दिए, चलिए सबसे बड़े 3 कॉन्स भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो बड़ा कॉन है, इसका जो प्रोसेसर है 9611 आउटडेटेड हो चुका है। पिछले साल का प्रोसेसर अभी भी यहाँ पर यूज़ किया है। इसकी बेंचमार्किंग 1,80,000 की है। जो कंपटीशन है इससे बेहतर प्रोसेसर आपको ऑफर कर रही है, किसी भी ब्रांड की बात करें, रियलमी रेडमी सब। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा कॉन है यहाँ पर, वो है इसका चार्जिंग। फास्ट चार्जिंग बोला गया है, 15 वाट की जो चार्जर आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है इनबॉक्स, लेकिन वो 2 घंटे 45 मिनट लेती है। आई गेट इट, यहाँ पर 6000 mAh बैटरी है, लेकिन फास्ट चार्जर जो 15 वाट का दिया है उससे बड़ा फास्ट चार्जर देना चाहिए था, 30 वाट का या 20 वाट का कुछ भी यहाँ पर देते तो बढ़िया होता है यहाँ पर। और नेक्स्ट जो है इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी जो डिज़ाइन है आउटडेटेड हो चुकी है, डिज़ाइन लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है, अभी भी ड्यू ड्रॉप नॉच मिलता है। एंड देन अभी भी यहाँ पर जो है यूनिबॉडी डिज़ाइन देखने के लिए मिल रहा है। और जो इसकी चिन है, सबसे बड़ी बात, चिन बहुत ज़्यादा बड़ी है। फुल रिव्यू स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। बिल्ड क्वालिटी के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बोला, मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद आया है। यूनिबॉडी डिज़ाइन है, हाथ में होल्ड करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ओवरऑल कॉम्पैक्ट डिवाइस है, आपको बढ़िया फील होगा, लेकिन जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो चेंज ही नहीं कर रही है। M30S में भी सेम है, M21 भी सेम है, M31 भी सेम ही है। और बड़ी सी एक चिन है आपको, अभी जो है पंच होल कैमरास मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी इसे ड्यू ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है सबसे बड़ा कौन है। अभी मैं बात करता हूँ इसके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले जो है आपको मैंने बताया, सुपर एमोलेड पैनल है, 1080p रेजोल्यूशन वाली, वाइड वन L1 सपोर्टेड है आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन यहाँ पर रिफ्रेश रेट आपको 60Hz की देखने के लिए मिलती है। मैं कंपटीशन की बात करूँ, रियल मी 6 में 14,000 का मिलता है, 464 GB वाला वेरिएंट, आपको 90Hz की पैनल मिल जाएगी। आपको 120Hz का पैनल मिलता है, सेम प्राइस 6 GB वाला वेरिएंट परचेस कर रहे हो, पोको X2 का 120Hz की पैनल देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वो सारे LCD पैनल्स हैं। यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड देखने के लिए मिलता है। और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मुझे बढ़िया लगी, जो व्यूइंग एक्सपीरियंस था, कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा व्यू करते हैं आपको ऑब्वियसली ये फ़ोन लेना चाहिए। चलिए बैटरी की बात करते हैं। बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी मुझे, 1.5 दिन आराम से निकल जाएगी, लेकिन चार्जिंग स्पीड बहुत ज़्यादा कम लगी। ओवरनाइट चार्ज करोगे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, लेकिन ये 2 घंटे 45 मिनट लगाता है, मैंने चार्जिंग टेस्ट किया, आप जाके देख सकते हैं।
कैमरास की बात करते हैं यहाँ पर, जो कैमरा सेटअप है यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का GW1 और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इस कैमरा को बीट करना मुश्किल है जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। 32 मेगापिक्सल का जो फ्रंट कैमरा है उसकी जो स्किन टोन्स निकल के आती है, जो कलर टेम्परेचर यहाँ पर जो है ऑप्टिमाइज़ की गई है, बहुत ज़्यादा बढ़िया आपको देखने के लिए मिलेगी, जो डिटेलिंग देखने के लिए मिलती है, HDR परफॉर्मेंस जो है और जो 4K 30 FPS ये रिकॉर्ड कर सकता है फ्रंट कैमरा से, वो बहुत बड़ा डील है। बैक कैमराज की भी बात करूँ, किसी भी लाइटिंग सीनरीज की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बढ़िया सैम्पल्स देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो डे लाइट हो चाहे लो लाइट हो। नाइट में यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल करता है लेकिन रियलमी 6 से बेहतर है इसका नाइट मोड। ओवरऑल मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर जो कैमरा परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलती है, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा मेरा जो मैक्रो कैमरा का परफॉर्मेंस था इसका, तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। इससे रेडमी नोट 9 प्रो का आपको मैक्रो कैमरा आपको पसंद आएगा, लेकिन मैं मैक्रो फोटोग्राफी करता नहीं, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। आप जूम लेंस से उसे क्रॉप करके जो क्वालिटी आएगी किसी भी मैक्रो कैमरा से बेहतर है। थोड़े बहुत यहाँ पर सैम्पल्स चेकआउट कर लो, यहाँ पर डेलाइट सैम्पल्स वगैरह यहाँ पर सब कुछ आपको बढ़िया देखने के लिए मिलेगा। मैंने डेडिकेटेड जो है कैमरा कंपैरिजन करके रखी है, आपको कार्ड्स में यहाँ पर कॉर्नर में दिख रहा होगा, मैंने पोको X2 के साथ कंपेयर किया है, मैंने रियलमी 6 के साथ कंपेयर किया है, मैंने इवन इसे सैमसंग गैलेक्सी M30S के साथ भी कंपेयर किया है, तो कैमरा क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। अल्ट्रा वाइड में थोड़ा सा ओवर सैचुरेटेड लगा और फ्रंट कैमरा इसका मुझे बहुत ज़्यादा जो ख़तरनाक लगा, यहाँ पर जो स्किन टोन निकल के आई है, डिटेलिंग वगैरह देखने के लिए मिलती है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ओवरऑल आप एकदम सेटिस्फाइड हो गए इसके कैमरा के साथ। थोड़ा सा मुझे मैक्रो कैमरा में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं लगा और जो नाइट मोड है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर लेता है, इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। नाइट मोड मुझे पोको X2 का बेहतर लगा, रियलमी 6 का नाइट मोड भी उतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। मैंने यहाँ पर प्रोसेसर के बारे में डिटेल आपको नहीं बताया, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। 9611 है, 1,80,000 का स्कोर देखने के लिए मिलता है। डे टू डे टास्क में आपको यहाँ पर कोई जो इशू वगैरह नहीं आएगी, ऐप स्विच करने में या मल्टीटास्किंग में कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर 1,80,000 का स्कोर है। आप सोचोगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है उसकी परफॉर्मेंस लो होगी, लेकिन क्योंकि खुद का हार्डवेयर है, खुद का सॉफ्टवेयर है, सैमसंग का प्रोसेसर खुद बनाती है, तो ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया है और इसी वजह से आपको पबजी भी यहाँ पर स्मूथ एक्सट्रीम में मिल जाएगी, लेकिन 60 FPS की कांस्टेंट फ्रेम रेट कभी भी नहीं मिलेगी। आप 30-40 फ्रेम रेट्स आपको मिल जाएंगे, FPS का आपको गेम प्ले मिल जाएगा और वो भी अगर लॉन्ग टाइम गेमिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिलेंगे। 3 घंटे और गेम प्ले पर अगर थ्रॉटलिंग आएगी वहीं से जो है आपको जो है फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिलेगा। सीधे गोली मारोगे देखोगे बंदा आपका पीछे आ गया है, कब आ गया आपको पता भी नहीं चलेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। गेमिंग के लिए तो ऑब्वियसली नहीं है, सबसे बड़ा जो मुझे इस फ़ोन की कमी है वो प्रोसेसर ही है। 9611 पिछले साल का प्रोसेसर है, उसे रिपीट कर ली है, ये M30S में भी था, M21 में भी है, M31 में भी सेम प्रोसेसर डाल रही है, सैमसंग के A51 में भी सेम प्रोसेसर डाली है, तो मुझे लगा था इस साल जो अपग्रेड कर रही है M31 तो यहाँ पर प्रोसेसर भी अपग्रेड देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे लास्ट यहाँ पर बात करना चाहूँगा जो इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स है, टन्स ऑफ फीचर है जो कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं, लेकिन एक बढ़िया स्टॉक एंड्रॉयड क्लीन लुक आपको देखने के लिए मिलेगा One UI में, और अगर सेटअप करने टाइम थोड़ा ध्यान तो आपको यहाँ पर एड्स भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर One UI 2.0 का जो एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आपको बढ़िया फील होगा। तो ये था जो रिव्यू मेरा सैमसंग गैलेक्सी M31 के लिए। मैंने आपको कॉन्स बता दिए, मैंने आपको प्रोस बता दिए। प्रोस तो बहुत ज़्यादा इजी थे मेरे लिए बताना, कैमरा स्क्रीन बीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कौन सा इसका चार्जिंग स्पीड और जो आपको 90 Hz की पैनल वगैरह नहीं मिलती है। सबसे बड़ा कौन था इसका जो प्रोसेसर जो इसका है 9611 बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है। तो ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू इस फ़ोन के बारे में। आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, आपको कैसा लगा ये वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए।